सो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ मूवी बागी 3, जिसे डायरेक्ट किया है अहमद खान ने, जिन्होंने बागी 2 मूवी को भी डायरेक्ट किया था। और उस मूवी के सक्सेस के बाद ही तुरंत इस मूवी की अनाउंसमेंट की गई थी कि बागी 3 मूवी हमें देखने को मिलेगी 2020 में। और फाइनली ये मूवी रिलीज हो चुकी है और मुझे समझ नहीं आता कि इस मूवी को क्यों बनाया गया। और मुझे लगता है कि बागी 2 के बाद इस मूवी को शट कर देना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था। और बागी 3 मूवी, जो कि मेरा सर आज दर्द कर गया इस मूवी को देखते वक्त, सच में देखते वक्त दर्द कर गया इस मूवी को। और मैं एक्शन मूवी देखता हूँ, मानता हूँ कि मैं एक्शन मूवी देखता हूँ, मुझे एक्शन मूवी पसंद है, लेकिन इतना एक्शन क्यों डाल दिया गया। ऐसा लग रहा है सिर्फ एक्शन देखने के लिए गए थे, स्टोरी भी तो डाल देते। लोग स्टोरी भी देखने जाते हैं मूवी में, थोड़ा स्टोरी, थोड़ा एक्शन, थोड़ा इमोशन, लोग हर एक चीज़ एक मूवी में ढूंढते हैं, सिर्फ एक्शन नहीं देख सकते। और इस मूवी में सिर्फ एक्शन ही एक्शन डाल दिया गया है, और वो भी ऐसे एक्शन जिसे देखकर कभी लॉजिकल भी फील होता है, और ऐसे ऐसे एक्शन देखने को मिले जो कि हमने ट्रेलर में ही देख लिया था। और जिस तरीके से जब इसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया था, तो ट्रेलर में ही फुल टू फुल मूवी की स्टोरी बता दी गई थी, और सेम स्टोरी हमें मूवी में भी देखने को मिली। और बात करें टाइगर श्रॉफ की, तो उन्हें सिर्फ एक्शन के लिए ही रखा गया है। हर एक मूवी में जितनी भी उनकी मूवी आती है, सिर्फ एक्शन ही करवा रहे हैं। हर एक डायरेक्टर सिर्फ उनसे एक्शन ही करवा रहे हैं, एक्टिंग भी करवाइए उनसे, सिर्फ एक्शन से काम नहीं चलता, एक्टिंग भी चाहिए होता है। और इस मूवी में भी वो सिर्फ एक्शन ही करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्टिंग तो जीरो ही चला गया। बात करें रितेश देशमुख की, तो उन्हें इस मूवी में क्यों लिया गया पता नहीं, फुल वेस्ट कर दिया गया उसे इस मूवी में उन्हें फुल टू फुल वेस्ट कर दिया गया। श्रद्धा कपूर को भी वेस्ट कर दिया गया, और सिर्फ टाइगर श्रॉफ का एक्शन दिखाया गया। स्टोरी इस मूवी की क्या बोलूं, स्टोरी है ही नहीं तो क्या बोलूं, स्टोरी फुल गायब। थोड़ा स्टोरी पे ध्यान दिया जाता तो ये मूवी बेटर बन सकती थी। और जो भी स्टोरी हमें फर्स्ट हाफ में जो भी देखने को मिला, फर्स्ट हाफ में वो साउथ मूवी की स्टोरी हमें देखने को मिली, साउथ मूवी की कॉपीड स्टोरी हमें देखने को मिली फर्स्ट हाफ में। एक भाई है जो कि कमज़ोर है, और एक भाई है जो कि ताकतवर है, और कमज़ोर भाई की हमेशा वो मदद करता है, जब भी वो मुसीबत में होता है वो चिल्ला कर उसे बुलाता है, वो स्टोरी देखने को मिली। और फिर कैसे वो एक पूरी कंट्री से लड़ता है, और जो सेकेंड हाफ तो फुल टू फुल एक्शन से भरा हुआ है, जो कि ट्रेलर में भी हमने देखा था और मूवी में भी वो एक्शन देखने को मिला। तो ज़्यादा एक्शन सच में हजम नहीं होती, तो थोड़ा स्टोरी होना चाहिए, थोड़ा एक्शन, थोड़ा इमोशन, और फील बिल्कुल नहीं आ रहा। फर्स्ट हाफ में जितने जो डायलॉग थे उनको देखकर वैसा कुछ फील नहीं आ रहा था, इमोशंस नहीं आ रहे थे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो मूवी क्यों बनाई गई बागी 3 वो तो पता नहीं, और अहमद खान सर से यही रिक्वेस्ट है कि या तो आप मूवी बनाना आप छोड़ दें, या फिर मूवी बनाएं तो स्टोरी को जरूर लाएं, सिर्फ एक्शन नहीं लाएं, सिर्फ एक्शन देखने लोग नहीं जाते, स्टोरी भी देखने जाते हैं। और लोग चाहते हैं कि आजकल स्टोरी के साथ साथ वो एक्शन देखें, तो स्टोरी भी लाइए या फिर मूवी मत बनाइए। तो मैं बागी 3 के बारे में यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हैं तो ज़रूर जाकर देखिए आप ये मूवी, आपको उनका एक्शन काफ़ी पसंद है। अगर आपके उनके एक्शन के फैन हैं तो ज़रूर जाके उनका ये एक्शन देखिए, और स्टोरी की उम्मीद से बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल ना के बराबर है और बिल्कुल ही गायब है। और रितेश देशमुख को इस मूवी में वेस्ट कर दिया गया है।
और क्या बोलूँ इस मूवी के बारे में, अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हैं तो यही बोलूँगा कि जाकर आप एक बार इस मूवी को देखिए, एक्शन आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर स्टोरी के हिसाब से जा रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए, और अगर सिर्फ एक्शन देखने जा रहे हैं तो ज़रूर जाकर इस मूवी को देखिए। अगर अब मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और भी मेरे न्यू वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।